जी फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक होगा वो करंट अफेयर सीरीज से होगा और आज हम कवर करने लगे मिडिल ईस्ट को। जैसा कि जानते हैं कि कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया, जो कि ऑयल सप्लाई करता है पूरी दुनिया को, तकरीबन दुनिया का 5% जो ऑयल है वो सऊदी प्रोड्यूस करता है, तो उनकी जो तनसीबात थी आराम को, उन पर कुछ अटैक्स हुए थे। अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो ड्रोन अटैक था या मिज़ाइल अटैक था। अभी तक ये फुली तौर पर कन्फर्म नहीं हुआ कि वो यमन के हुथी बागीज ने किया था या ईरान ने उसे लॉन्च किया था। तो उसके मद्देनजर देखते हुए जवाद जरीफ ने कहा है, वॉन किया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ईरान फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ वॉन्स अवाल आउट वार। उन्होंने वॉन किया कि अगर सऊदी अरेबिया कोई एक्शन लेता है या अमेरिका कोई एक्शन लेगा तो ये फुल आउट वार होगी, फुल आउट वार होगी। वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, अगर कुछ भी हुआ तो हम फुली रिस्पॉन्स देंगे। तो चलिए आज का ये टॉपिक कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली, मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया तो उस मेहनत से आप ये प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कवर करते हैं, ये जवाद जरीफ का एक स्टेटमेंट है, एनी अटैक बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सऊदी अरेबिया ऑन इरान विल रिजल्ट इन ऑल आउट वार। ये कह रहे हैं कि उनके जो जवाद जरीफ है, तेहरान वॉन ऑन थर्सडे, ये थर्सडे पे जवाद जरीफ जो कि इनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने वॉन किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सऊदी अरेबिया अगर किसी ने भी कोई गलती की, ईरान पर कुछ अटैक किया, तो उसका जब भरपूर जवाब देंगे, फुल आउट वार की तरफ वो चले जाएंगे। अब ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हमें सऊदी की ऑयल रिफाइनरी पे जो अटैक हुआ था, तब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वी आर कुक्ड एंड लोडेड, हम बिल्कुल तैयार हैं, बस सऊदी से जानना चाहते हैं। और रिसेंटली उसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए, अपना रिस्पांस देने के लिए, जो कि वहाँ के स्टेट सेक्रेटरी माइक पोपियो, वो सऊदी भी आए, यूएई भी आए, तो उनसे वो सलाह मशवरा वगैरह कर रहे हैं। तो उससे उसको देख के उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ, उन्होंने कहा कि अगर ईरान पे कुछ भी हुआ तो वो ऑल आउट वार होगी, फुल वार होगी। फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ मेड द कमेंट्स एज टेंशन इन द गल्फ कंटिन्यू राइज आफ्टर द अटैक ऑन सऊदी अरेबियास ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हाल्टेड द प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 5% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का जो 5% ऑयल सप्लाई था वो रुक गया जब उनकी ऑयल की तनसीबात पे अटैक हुआ था गल्फ में। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा गल्फ, यहाँ पे इराक है, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई, और ये सारे कंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं यमन जो है, यमन ईरान अलाइंड हौथीज रिबेल क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सऊदी स्ट्राइक्स ऑन सऊदी ऑयल फैसिलिटीज, बट द यूनाइटेड स्टेट्स एलीज द अटैक इन्वॉल्व क्रूज मिसाइल्स फ्रॉम ईरान एंड अमाउंट्स टू द एक्ट ऑफ द वॉर। जबकि ईरान जो यमन के अंदर जो हुथी बागीज हैं, जो कि प्रो एलाय हैं ईरान उनको सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है, और अपनी सिविल वॉर लड़ रहे हैं अपने यमन के अंदर, जो कि प्रो सऊदी अरेबिया, प्रो यूएई गवर्नमेंट है। तो जैसा कि जानते हैं कि यमन में दो ग्रुप्स हैं, एक वो ग्रुप है जो कि सपोर्ट करता है सऊदी को, यूएई को, उनको, उनके जो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उनको ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो हैं हुथी बागीज वो शियात ओरिजिन है, और वो जो हैं वो सपोर्ट करते हैं ईरान को, तो ईरान उन्हें फंडिंग वगैरह करता है। तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है कि उन्होंने ही जो है सऊदी की ऑयल फैसिलिटीज़ पर अटैक किया था, क्योंकि यमन के अंदर सऊदी और यूएई ने बहुत तबाही मचाई है, वो एयर स्ट्राइक्स भी करते हैं, लोग काफ़ी मर चुके हैं वहाँ पर, हालात, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया, क्योंकि जो एरियल अटैक्स होते हैं सऊदी के, यूएई, वो बिल्कुल ही सिविलियन को भी मार देते हैं, ऐसा कुछ सच है। तो ईरान वाले जो हुथी बागीज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ये अटैक किया है। अब जानने की ये हैं वो हुथीस, अब जानने की ये ज़रूरत है कि इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इनके पास कैसे, अगर इन्होंने किए तो इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी इनके पास कैसे, यकीनन इसमें ईरान का कुछ ना कुछ तो हाथ होगा ही होगा। और दूसरी बात ये कि जब उनको बता दिए गए सऊदी और यूएई को कि वो जंग में है, वो अटैक कर रहे हैं, तो उनका कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं कि उनकी जो ऑयल फील्ड है उन तक वो क्रूज मिसाइल पहुंचता है, उनको तबाह बर्बाद करता है, ये तो कहीं भी फिर पहुंच सकता है, तो उनके भी कोई लैप्सेस यहाँ पे ज़ाहिर हुए हैं। This UAE and the US has said its military is cooked and loaded. मैंने जैसे कहा कि US डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्वीट थी, क्योंकि मिलिट्री बिल्कुल तैयार है
to respond against the perpetrators. वो कहते थे कि जिन्होंने किया है उनके लिए responsible है. और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये उनका अब्राहम लिंकन कैरियर है, ये उन्होंने मिडिल ईस्ट में आके खड़ा कर दिया काफ़ी टाइम पहले से ही. तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का कैरियर बिल्कुल आके ईरान और मिडिल ईस्ट में खड़ा हो गया है, तो ये एक क्राइसिस की एक निशानी है. अब ईरान क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेकिंग इट अप. वो कह रहे हैं कि आप एक बहाना तैयार कर रहे हो ईरान को अटैक करने के लिए. पहले ये टैंकर्स पे अटैक हुआ था, आज इनकी ऑयल फील्ड पे अटैक हुआ है. तो ईरान ये कह रहा है कि आप अपना एक माइंड मेकअप कर रहे हो हम पे अटैक करने के लिए. आस्क्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन अमेरिका आर सऊदी मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान, ज़रीफ रिस्पोंडेड इन ऑल एडवांस. तो उन्होंने कहा कि कोई भी, ये वही बात रिपीट हो रही है कि उन्होंने कहा अगर अमेरिका या सऊदी कोई भी स्ट्राइक करेगा तो ऑल आउट वॉर होगी. ये हम माइक पोम्पियो हैं, ये मोहम्मद बिन सलमान है जो कि डिफेक्टो लीडर हैं, ये अपने वालिद के बाद यही बादशाह बनेंगे, लेकिन अभी भी उनके पास वही पावर हैं जो बादशाह के पास होती हैं, वो यूज़ करते हैं. ये यमन वाला सारा कुछ था वहीं का ही किया धरा है. सऊदी अरेबिया विच हैज़ बीन बॉक्ड डाउन इन अ ब्लडी 5-year कन्फ्लिक्ट इन द नेबरिंग यमन. मैं आपको बता रहा हूँ 5 सालों से वो जंग में फंसे हैं, यूएई वाले, सऊदी वाले, हूतीस, और उसने बिल्कुल तबाही कर दिया, लोग भूखे मरते हैं. सेडन विनर सेड दैट ईरान अनक्वेश्चनेबली स्पॉन्सर्ड द अटैक्स एंड द वेपन्स यूज्ड विद वर ईरानियन मेड. तो सऊदी ने ये रिस्पॉन्स दिया कि आपने जो वेपन्स वहाँ पर इस्तेमाल हुए वो ईरानियन मेड हैं, बट डिड नॉट डायरेक्टली ब्लेम इट्स रीजनल राइवल. उन्होंने ऐसा इशारा तो दिया लेकिन ऐसे ब्लेम वगैरह नहीं किया. ये वो वेपन्स है जो कि सऊदी को ऑयल फील्ड अरामको को अटैक किया. देखें अब ये बात है कि ये हूथीस कहाँ से इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बनाने में वो आगे चले गए हैं. ईरान हैज़ रिपीटली डिनाइड US एंड सऊदी एक्यूजेशंस. ईरान ने डिनाई किया कि हमारी कुछ उनमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है इन सैटरडे से स्ट्राइक, जिससे जो सैटरडे पे स्ट्राइक ने लास्ट सेइंग द हूथीज हिट द ऑयल फैसिलिटीज इन रेस्पॉन्स टू द सऊदी इमरती लीड मिलिट्री कोएलिशन ऑनगोइंग अटैक्स इन यमन. और मैं आपको बता दूँ कि सऊदी और इमराती वो भी यमन में स्ट्राइक करते हैं. तो हूथियों ने कहा हमने उसका बदला लिया, हमने वो रेस्पॉन्स किया है, ईरान ने ऐसा सच कुछ नहीं किया. द स्ट्राइक ऑन सऊदी एनर्जी जॉइंट अरामकोस अब कीक थे ये उनका एरिया का नाम है, अब कीक प्रोसेसिंग प्लांट एंड खुरेस ऑफ ऑयल फील्ड हैव हाफ द किंगडम्स ऑयल पुट. जब इन पर अटैक हुआ तो किंगडम की जो आउटपुट थी वो बिल्कुल हाफ रह गई है. ये वो साइट थी जहाँ पे वो अटैक हुए हैं. अब ये अमेरिका वाले और सऊदी वाले कह रहे हैं ये एकता वार है. आफ्टर मीटिंग विद एलाइज इन रियाद एंड अबू दुबई, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो सेड देयर वाज एनॉर्मस कंसेंसस इन द रीजन दैट ईरान कैरीड द सैटरडे अटैक डिस्पाइट इट्स डिनायल. तो सेक्रेटरी माइक पोम्पियो उनके जो एलाइज उन्होंने यही माइंड बना लिया है कि जो अटैक था वो ईरान ने ही किया है. इन अ ट्वीट ज़रीफ अक्यूज्ड US एलाइज एंड सम अमेरिकन ऑफिसर्स ऑफ ट्राइंग डिसीसिव डिसीव प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन टू इंटरिंग अ वार विद ईरान. तो जवाब शरीफ ने यह कहा कि US के जो एलाइज हैं वो ट्रंप को मजबूर करें कि वो ईरान के साथ जंग करें. मैं आपको यह भी बता रहा चलूँ, ट्रंप जो हैं प्रेजिडेंट ट्रंप जंग के बिल्कुल खिलाफ है. अब तो उनके ऊपर इलेक्शन भी आने वाले हैं तो जंग में तो वो जाएँगे नहीं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है, रिपोर्ट्स में आता है कि जो इसराइल है, जो ये जो कि सऊदी है या UAE है, इन कंट्रीज़ की ख्वाहिश है कि अमेरिका आए और ईरान से वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करे, जिसके हक में डोनाल्ड ट्रंप नहीं. यही वजह थी कि उन्होंने जॉन बोल्टन को फायर कर लिया, रिज़ाइन करने पर मजबूर, उनको उनसे रेजिग्नेशन ले लिया. और भैया कि अब ये जब सारा खत्ते में कुछ हो रहा है, ऑयल टैंकर्स पे अटैक हुए थे या ये अभी जो सऊदी ऑयल फील्ड पे अटैक हुए हैं, तो मेरी टाइम कोलिशन एक बनाने की बात की कि हम जो है अपने मेरी टाइम को सिक्योर करें. उसमें कौन कौन है, द यूनाइटेड अरब एमरेट्स ऑन थर्सडे फॉलोड इट्स एलाय सऊदी अरेबिया इन अनाउंसिंग दैट इट वॉज ज्वाइनिंग अ ग्लोबल मेरी टाइम सिक्योरिटी कोलिशन दैट वाशिंगटन हैज़ बीन ट्राइंग टू बिल्ड सिंस अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन ऑन ऑयल टैंकर्स गल्फ वाटर्स इन द रिसेंट मंथ विच वर ऑल्सो ब्लेम्ड ऑन ईरान. तो वो करें कि मिलके ज्वाइंट एक एफर्ट करेंगे कि अपने जो ऑयल के हैं, ऑयल के जो कंटेनर या दूसरे जो बिजनेस वाले कार्गो के शिपमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी आर्मी उसके साथ साथ भेजेंगे, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हम अपनी कोएलिशन आर्मी भेजेंगे. उसमें अमेरिका भी आ रहा है, ये UAE वाले आ रहे हैं, सऊदी अरब आ रहे हैं.
Tehran said the US accusations were part of the Washington's maximum pressure. Tehran to yahi keh raha hai ki ye jo sab kuch hai, ye jo ilzam lag raha hai, ye usi ki Washington ki yahi koshish hai jo ki wo maximum pressure ke naam pe policy banayi hai ki Iran pe military option na sahi, lekin us pe upar economic pressure zyada se zyada bana jaye kyunki halat kharab ho jaye aur fir wo talks pe ready ho on the terms and condition of America. Iran to force us to renegotiate the 2015 nuclear deal. American ki ye koshish rahi hai ki Donald Trump chahte hain ki jo wo deal thi wo Obama ki deal thi, wo nahi chahte hain ki wo jo deal ka credit bhi tha wo Obama ke paas hai. Unki ye hai ki main best deal karta hu, main unhone to ye bhi kaha ki wo Palestine wale ke deal of the century bhi kara denge. To wo khud ko deal maker mante hain, to wo kehte hain ki Iran renegotiate kare humse deal. Which Trump existed last year, reimposing sanctions to choke Iran's vital oil imports. Now, उन्होंने यही मकसद था कि pressure करना कि Iran जो उनकी largest export commodity oil, उसको hit किया जाए. और उसकी वजह से उन्होंने sanctions लगा दिए. अब Iran ये भी वान किया था कि अगर हम oil sell out नहीं कर पाएंगे, तो इस खित्ते से कोई भी oil sell out नहीं कर पाएगा. फिर हमने tankers वाले भी देखे. Iran deny करता था, लेकिन कौन उनके, या ईरान ये भी कहता है ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, अमेरिका हम पे हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है और तो इसलिए वो बहाने ढूंढ रहा है. तो एक तो ईरान ने ये कहा था कि यहाँ से फिर कोई ऑयल सेल आउट नहीं कर पाए और फिर हमने ऑयल टैंकर्स पे अटैक देंगे. अभी जो सऊदी को जी ऑयल फील्ड पर अटैक हुआ, तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि अगर हुथीज ने भी किया तो कहीं ना कहीं उनमें ईरान का इन्फ्लुएंस होगा, कहीं ना कहीं ईरान से उन्होंने उसकी परमिशन भी ली होगी और ईरान को पता होगा. ये नहीं कि हुथीज इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इतनी अपने आप तक ले जाएं, फिर वहां से बैठ कर सऊदी पे अटैक कर लें. Iran has gradually scaled back its nuclear commitments and rejected any talks unless sanctions are lifted. और जब अमेरिका ने न्यूक्लियर डील से वापस कर लिया उन पर और इन सेक्शन से रीइम्पोज कर लिए, तो ऐसा ऐसा ईरान ने भी अपने जो कमिटमेंट थी वो निकाल ली. जैसे कि उन पर था कि यूरेनियम 3 kg से ज़्यादा नहीं रखें तो वो कर लेंगे. उनको कहा गया था कि आप यूरेनियम के अंदर 3.67 से ज़्यादा नहीं करें, उन्होंने वो भी कर ली. उन्होंने ये कहा था कि वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं करेंगे, उन्होंने वो भी बात ख़त्म कर दी. वो कहते हैं हम टॉक्स करेंगे, फिर तो अगर आपने टॉक्स करने तो हम करेंगे, लेकिन आपने जो सैंक्शंस लगाए पहले वो हटा दें. फ्रांस जो है एक वाहिद कंट्री जो कि चाहता है कि ये डील बच जाए और वो कोशिश कर रहा है. फ्रांस वो जस्ट ट्राइंग टू सेल्वेज द न्यूक्लियर डील. फ्रांस की कोशिश है कि वो न्यूक्लियर डील बच जाए. सेट द अपकमिंग यूएन मीटिंग न्यूयॉर्क प्रेजेंटेड अ चांस टू डी स्कैलेट टेंशन. अभी सितंबर में जो चल रहा है, अमीना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी गए, तो उनको ये चांस है कि शायद इस मंथ जो कि यूएन में उनकी मीटिंग हुई, तो वहाँ में भी कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी और उनके टॉक्स नॉर्मल हो जाएँ. वाइल अभी तक तो जो बातें चल रही हैं, अभी तक जो काम चल रहा है, तो उसमें आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस में है. व्हेन मिसाइल हिट अनदर कंट्री इट इज़ एन एक्ट ऑफ द वार, बट वी हैव टू गो बैक टू द प्रिंसिपल ऑफ डी एस्केलेशन. फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जीन यूज ली ड्राइन सेड देयर इज़ अ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट. तो फ्रांस कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, डी एस्केलेशन हो और आप टॉक्स की तरफ जाएं. अगर ऐसे और आप समअप करें तो आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बिल्कुल क्राइसिस की तरफ जा रही है. मसला हाथ से निकल रहा है, ईरान पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, यमन में कोई बात हो नहीं रही और गल्फ मिडिल ईस्ट पूरे में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पे अमेरिकन आर्मी है, कुछ भी होती है, मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है. तो ये टाइम आने वाला बताया गया कि ईरान सऊदी या अमेरिका टॉक्स करते हैं, बात करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, या किसी गलती की वजह से जंग में चले जाते हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें मेरी इस मेहनत के लिए, और अगर चाहते हैं कि दोस्तों को भी बताओ तो शेयर करें, और चाहते हैं कि आपको ऐसे और वीडियो मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. शुक्रिया.